हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। आज हम लोग हैं मधुबनी शहर में और हम लोग घर से बस यूं ही मधुबनी शहर में घूमने के लिए निकले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, हम आपको दिखाते और बताते चलेंगे कि हम लोग किस किस जगहों से गुजर रहे हैं और आपको उन जगहों के बारे में जानकारी देते चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ आज के इस व्लॉग में। तो हम लोग इस वक्त कॉलोनी से निकल करके स्टेडियम रोड पे आ चुके हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं हमारे पीछे की ओर मधुबनी स्टेडियम की ओर चला जाता है और सामने वाला रोड मार्केट की ओर चला जाता है। मैं कैमरा राइट में पैन करके दिखाना चाहूँगा। कॉलोनी में ही ये छोटा सा एक पॉन्ड स्थित है और पॉन्ड के उस तरफ आप रेजिडेंशियल मकान वगैरह देख सकते हैं और ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया सब है सामने। साथ ही साथ यहाँ पे आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऊंची इमारत जो देख रहे हैं ये पुलिस विभाग का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम अभी जारी है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वक्त मधुबनी शहर के कोर्ट रोड पे आ चुके हैं। इसी रोड पे आगे न्यायालय परिसर मौजूद है और ये रोड सीधा सीधा चला जाएगा थाना चौक, जहां पे टावर भी स्थित है। तो हम लोग इस वक्त कोर्ट परिसर के आगे से गुजरते हुए बढ़ रहे हैं थाना चौक की ओर, वहां पे आपको क्लॉक टावर भी दिखाएंगे। अब आप हमारे लेफ्ट साइड में एक पीले रंग की इमारत देखेंगे, यही मधुबनी का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाने का काम और गाड़ियों से संबंधित सभी काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच रहे हैं मधुबनी के टावर चौक पे। इसे थाना चौक भी कहा जाता है, टावर चौक कहा जाता है क्योंकि सामने में आप वॉच टावर क्लॉक टावर देख रहे हैं, तो इसे आप टावर चौक भी बोलिए, थाना चौक भी बोलिए। यहां से रास्ता दो पार्टों में टूटता है। ये रास्ता सीधे सीधे सामने की ओर मधुबनी शहर से बाहर सकरी पंडौल होते हुए दरभंगा की ओर चला जाएगा और हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड में टर्न लेंगे और जा रहे हैं स्टेशन की ओर। ये रोड चला जाता है सीधे मधुबनी स्टेशन। तो यहाँ पर मधुबनी शहर का मेन मार्केट भी है, जहाँ पे बहुत सारे रोजमर्रा के दिनचर्या के सामान, फिर आपको काफ़ी सारे छोटे मोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कन्फेक्शनरीज वगैरह भी इस रूट में अवेलेबल हैं। तो ये हम लोग मधुबनी के मेन मार्केट से गुजरते हुए स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शहर तो छोटा है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको आपके दिनचर्या से जुड़े सामानों को लेकर के दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटे मोटे चीज़ों की, यहाँ तक कि गाड़ियों की शोरूम भी है इस रोड में, तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत इस शहर में नहीं आने वाली है। शहर हालांकि छोटा है लेकिन सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा प्लान है हम लोग स्टेशन की ओर न मुड़ करके सामने वाले रोड में रेलवे फुटओवर क्रॉस ब्रिज के ऊपर जाएंगे और यहां से देखेंगे रेलवे स्टेशन का नजारा कैसा दिखता है।
तो हम लोग इस रेलवे फुटओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर से आपको दिखाते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन का पूरा नजारा किस प्रकार का दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मधुबनी रेलवे स्टेशन का पूरा नजारा। मैं कैमरा पैन करके आपको दिखाना चाहूंगा कैसा दिखता है मधुबनी रेलवे स्टेशन का पूरा सीन। मैं लेफ्ट साइड में कैमरा वापस पैन करूंगा तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन हमें दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ से अपने आगे की सफर को जारी करेंगे और आपको बताते चलेंगे हम लोग किस किस एरिया को होते हुए गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे व्लॉग को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि ये रास्ता काफी लंबा था और इसमें हम लोगों को काफी देर तक गाड़ी चलानी पड़ी, इसलिए मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद वाले पार्ट को मैं वापस से नॉर्मल स्पीड में लाऊंगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं देव नारायण यादव कॉलेज रोड पे। इस रोड में आगे बढ़ते हुए रेलवे फाटक को क्रॉस करके हम लोग पहुंचेंगे जलधारी चौक पे और जलधारी चौक से हम लोग वॉटसन स्कूल होते हुए थाना चौक की ओर बढ़ेंगे। We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. So friends, हमारे left hand side में है देव नारायण कॉलेज मधुबनी। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग रेलवे फाटक को क्रॉस करके पहुंचेंगे जलधारी चौक पे। Lions gone and come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि रास्ता लंबा था। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं जलधारी चौक पे। जलधारी चौक से हम लोग राइट हैंड साइड वाली रोड को पकड़ लेंगे और चले जाएंगे वॉटसन स्कूल की। वॉटसन स्कूल होते हुए हम लोग पहुंचेंगे थाना चौक और आगे आपको दिखाते जाएंगे हम लोग किस किस जगह को कवर कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, अब हम लोग गुजरने वाले हैं वॉटसन स्कूल के आगे से। वॉटसन स्कूल को कवर करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे थाना चौक। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... और घूमते फिरते वापस से हम लोग थाना चौक पे आ पहुंचे हैं। और फ्रेंड्स, आज यहीं पे हम लोग अपने इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, वी नीड योर सपोर्ट।